घर के समीप सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से विभागीय अधिकारी उपस्थित न होने पर प्रमुख जी के सदस्यों द्वारा नाराजगी प्रकट की गई एवं भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही नहीं करने की हिदायत दी गई। इसके बाद दूसरे बिंदु में पेयजल निगम था, पेयजल निगम योगदान में विभाग ग्रामीण स्तर पे पशुपालन से जुड़े हुए लोगों के साथ और साथ में हमारे छोटे एनजीओ सेंटर्स भी होते हैं जैसे चिल्हाड़ में विभाग में है कुक्कुट पालन योजना। तो ये एक बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना की जैसे है जिसमें हम हर लाभार्थी को 50 चूजे जो कि एक दिन के होते हैं वो वितरित करते हैं। तो वो निःशुल्क वितरित होते हैं और हम गाँव में घर पे जाके उनको वितरित करते हैं। तो अभी इसमें हमको टारगेट मिले हैं पूरे ब्लॉक में हमें 380 लोगों को ये बांटना है। इसमें 100 लोग SCP कैटेगरी के और 280 लोग ST कैटेगरी के हैं। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ये जो नाम हमें दिए जाएंगे वो खुली बैठक में प्रस्ताव से आएंगे। जो भी योजनाएं चलती है वो खुली बैठक में जो भी प्रस्ताव होता है तो उसमें जो नाम आते हैं वही आगे जाते हैं। तो उसमें आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो अपने यहाँ खुली बैठक में प्रस्ताव आप उनको दे सकते हैं। जैसे पशुधन बीमा योजना एक तरह से रिस्क को कवर करता है। जैसे हमें पता है कि हमारा पशु जो है बहुत महंगा है या फिर जो भी हमारे माना बैल है, बैल में से एक बैल कभी गिर जाता है या चोट फाट लग जाती है तो हमको उसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए और दुगना पैसा डालना पड़ता है। तो जैसे अब थोड़े से पैसों से बीमा हो जाता है तो ये भी एक बीमा की स्कीम भी बहुत टाइम से चल रही है और काफी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसमें भी आप लोग अपने गाँव के लोगों को बता सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोई अच्छा अभी हमारे रिसेंटली अभी हमारा फिर से प्रोग्राम चलने वाला है FMDCP प्रोग्राम मतलब खुरपका मुंहपका कंट्रोल प्रोग्राम। तो उसमें हम घर आके कान में एक छल्ला लगाते हैं और उसके बाद पशु को हम उसका एक UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन उनको ऑनलाइन भी करते हैं जैसे कि उससे आप टैग से देख के आप पता लगा सकते हो कि ये किस आदमी का पशु है। ये अभी गाय भैंसों में ही चल रहा है। तो ये अभी हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आपके गांव में हमारी टीम आए तो उनको सहयोग करें ये वैक्सीनेशन करने में क्योंकि जब बीमारी होती है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि बीमारी हो गई बीमारी। एक बात दूसरा जो हमारे गांव में तो उसका प्रक्रिया चलो वो ठीक हुई अगर वो पर्टिकुलर ड्यूटी देंगे तो ठीक है अगर नहीं दे पाए तो वही हक नहीं हमारे M.L. शर्मा जी द्वारा उपलब्ध कराया कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद है उक्त भवनों को ग्राम पंचायत में हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मत्स्य विभाग में मत्स्य सुविधाएं मिलती हैं और क्या आपके राइट्स हैं और SMC हमारे यहाँ गठित होती है उसके हमारे सभी संबंधित ग्राम प्रधान महोदय उसके अध्ययन सदस्य भी होते हैं। तो एक अनुरोध यही किया था कि प्रतिदिन कोई ना कोई अभिभावक हमारे विद्यालय में जाके और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता चेक कीजिए और साथ ही अगर आपको एक ही टीचर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है उन्हें बता देता हूँ 7830464282 उस पर आपने मुझे उसी दिन शिकायत भेजी थी फलाने स्कूल में हम गए थे आज एक ही शिक्षक है मैं तुरंत जानकारी लूंगा कि भाई दूसरा शिक्षक कहाँ गया। तो ये आनी शुरू हो जाएगी मेरे पास फीडबैक पर डे हर स्कूल से तो शायद ये अनुपस्थिति की जो शिकायत है काफ़ी कम हो जाएगी। और ये जानकारी हमारे यहाँ पर जो ग्राम कोटवा में जो है पीछे तो पिता खुला संपर्क है वहाँ क्या काफ़ी विद्यालय चल रहा है लेकिन वहाँ का जो टॉयलेट वगैरह था ना वो सब टूट गया कई बार पर हमने
और सर एक मेरे गांव में बिल्डिंग बन रही है, नया स्कूल, दो साल बन के तैयार है, लेटर टुकड़े डाल दिए और इतनी घटिया की हुआ है, मेरे पे फोटोग्राफ है, अगर आश्रित नई बिल्डिंग है और सर ये देखो इतने बुरे हाल है, बन के तैयार है, जो गाँव वाले परेशान हो गए, टीचर भी बोल बोल के परेशान, ये देखो सम्मानित हमारे सदस्य सब, मैं अवगत कराना चाहूँगा जो अनुपस्थिति का मामला है, इसमें मैंने पहले भी एक विनम्र अनुरोध किया था, अभी भी मैंने इस सत्र की शुरुआत में सभी अभिभावकों को और हमारे प्रधान को करना है, शिक्षा ही बात नहीं करेगा, पानी शौचालय स्वच्छता दोनों काम जो है ये प्रधान करेंगे, अगर प्रधान जी लोग बैठे हो तो नोट कर लें, अपने GPDP की कार्य योजना में ये शामिल कर लें, न दिए हो अगर क्षतिग्रस्त है तत्काल उसको सप्लीमेंट्री प्लान बना के बना दें, ये मैंडेटरी है सभी प्रधानों के लिए, वरना ये प्रधान के होगा कि आप अपने स्कूल का ध्यान नहीं दे रहे, प्रारंभिक शिक्षा जूनियर हाई स्कूल तक प्रधान की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो ये कौन से गांव का मामला है, ये प्रधान नहीं प्रधान जी कौन कोला, अच्छा कोला हमारे वो है एक टीचर एक हफ्ते, मैंने आपको हर बार यही बात पर इस पे कभी कोई कार्रवाई नहीं, आप मेरे को दिखा दी या तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं, उनके पास तो बस कोई है, अगर जाओ कभी स्कूल में तो बस तुरंत दिखा देते, आज क्यों है आज फलाना टीचर वहां जा रखा चकराता, मतलब जो स्कूल हेडमास्टर है उसको चकराता महीने में कितनी बार आना पड़ता है, आप इसकी भी जानकारी लो, और सर एक आश्रम में बिल्डिंग बन गई, वो पिछली टीचरों का यही कहना है कि जो हेडमास्टर है टीचर वो बोलता है मेरे को चकराता जाना पड़ता है, मेरे को उसके काम से जाना पड़ता है, और सर कोई कार्रवाई नहीं होती सर, ये सबसे बुरा हाल है सर, एक टीचर एक हफ्ते, एक जाएगा दूसरा है, संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप बता सकते हैं, कुछ शिक्षा कॉलेज वाले हैं वो हमारे से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जो भी हमारे विद्यालय विहीन भवन विहीन माध्यमिक विद्यालय है उनकी सूचना विभाग ने अभी मांगी थी और हमने भेज दी है, अगर आपके अवलोकन के लिए जी जी मेरे सभी लोग की सूचना है इसमें हमने भेज रखी है, शिक्षा कॉलेज वाले हैं वो हमारे से जी